हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एसआई क्लासेस डुमरियागंज। आज का ये वीडियो क्लास 11th के फिजिक्स के लिए है। दो पार्ट फिजिक्स का दे दिया गया है आपको। ये पार्ट नंबर 3 है जिसमें विमीय विश्लेषण के बारे में चर्चा किया जाएगा। कल के पार्ट में आपको विमा के बारे में कुछ बताया गया था, विमा का डिफिनेशन दिया गया था और 2-3 भौतिक राशियाँ भी बताई गई थी, उसका डायमेंशन निकाल करके बताया गया था। अब हम पूरे विस्तार से डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, विमीय विश्लेषण को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि लंबाई के विमा को हम किससे लिखते हैं, यल से। द्रव्यमान के विमा को किससे लिखा जाता है, यम से। इसी तरह से समय का जो है वो टी से, ताप का कैपिटल थीटा से, और विद्युत धारा के डायमेंशन को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं, और सभी को ब्रैकेट में होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे विमा का उपयोग। विमा का उपयोग, तो विमा के कई उपयोग हैं जिसमें आपको पहले उपयोग के बारे में पढ़ना है। ये पहला उपयोग क्या है कि इस विमा की सहायता से कई भौतिक राशियों का हम विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके यूज में आप लिख सकते हैं विभिन्न भौतिक राशियों, विभिन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र ज्ञात करने में, विमीय सूत्र ज्ञात करने में, ज्ञात करने में। कहने का मतलब विमा के कई उपयोग हैं, एक एक उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहला उपयोग आपका यह है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है तो उसका हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं या डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कई भौतिक राशियां हैं, तो आज हम कम से कम 25 से 30 भौतिक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल कर दिखाएंगे आपके सामने। तो इसमें हम पहला फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, एक एक करके जो है आप लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसमें पहला जो है, अगर एरिया की बात किया जाए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई हो उसका विमीय सूत्र अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले उस भौतिक राशि का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। तो जितने भी आज 25 से 30 भौतिक राशियां आपको बताई जाएंगी, सभी का फार्मूला आप याद करते रहेंगे और उसका डायमेंशनल जो फार्मूला है वो भी आपका निकलता रहेगा। तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम अगर इसका विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, तो लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है उसको हम किससे लिखते हैं, यल से। चौड़ाई जो है, चौड़ाई भी क्या है, एक तरीके से लंबाई को ही प्रदर्शित करता है, तो इसके भी विमीय सूत्र को हम किससे लिखेंगे, यल से लिखेंगे। यल और यल ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है। और विमा क्या होता है, इसके ऊपर जो घात होता है उसको हम विमा कहते हैं। तो कैसे इसको लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल की विमा लंबाई में कितना है, 2 है, और इसका विमीय सूत्र कितना है, एल स्क्वायर है। अब जैसे कि इसमें एम को भी शामिल करना है, टी को भी शामिल करना है, तो कैसे शामिल कर सकते हैं, यम, जैसे यम किसको प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, इसमें द्रव्यमान था नहीं, तो यम पावर कितना लिख सकते हैं आप, 0 लिख सकते हैं। यल अगर देखा जाए तो कितना है, स्क्वायर है। टी को भी शामिल करना चाहो तो टी को भी शामिल कर सकते हैं, टी के पावर यहाँ पर कितना लिख सकते हैं आप, 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि क्षेत्रफल की विमा यम किसको प्रदर्शित करेगा, द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान में कितना है, 0 है, लंबाई में कितना है, 2 है, और समय में कितना है, 0 है, या केवल और केवल आप कितना लिख सकते हैं, यल स्क्वायर लिख सकते हैं। कई भौतिक राशियां हैं इसलिए थोड़ा
हम शीघ्रता से डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी का लिखेंगे, क्योंकि दो चार होते तो आराम से दो चार दस मिनट में हो जाता, लेकिन कई फार्मूले हैं तो हर एक फार्मूले पर स्टडी करना है, अभी ये स्टार्टिंग है। अब अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करें, आयतन का अगर कहा जाए कि विमीय सूत्र क्या होगा, तो आयतन के विमीय सूत्र के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि आयतन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब अगर इसका हम विमीय सूत्र लिखना चाहें तो विमीय सूत्र बताइए कैसे लिख सकते हैं आप, लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, यल होगा। चौड़ाई भी किसको प्रदर्शित करेगा, लंबाई को, तो इसका भी यल हो जाएगा। ऊंचाई जो है एक तरीके से ये भी क्या है, लेंथ को ही शो कर रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। यल 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 मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आयतन का विमीय सूत्र कितना होगा, यल क्यूब होगा, और जो पावर होता है उसको हम विमा कहते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, आयतन की विमा लंबाई में कितना है, तीन है, और इसका विमीय सूत्र कितना है, एल क्यूब है। अब हम तीसरा क्वांटिटी लेंगे, एक एक करके जो है आप स्टडी करेंगे, दो आपका क्षेत्रफल और आयतन हो गया। अब तीसरा अगर देखा जाए तो क्या है, चाल। तो चाल का अगर आपको विमीय सूत्र लिखना है तो क्या होना चाहिए, चाल का सूत्र होना चाहिए। तो चाल का आप सूत्र लिख देंगे, सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अगर आपको फार्मूला पता चल गया तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी समझ लीजिए, आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बताइए, अगर चाल की विमा लिखना है या चाल का विमीय सूत्र लिखना है, तो चाल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी, यानी कि क्या है ये, लेंथ ही है, लेंथ को शो कर रहा है, तो दूरी का क्या होता है विमीय सूत्र, यल होता है। समय, समय का क्या होता है, टी होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, और इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये यल हो गया, टी के पावर कितना है, वन, इसको आप अंश में ले जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन, यानी कि एल टी क्या हो गया, माइनस वन। फिर से एक बार समझ लेंगे, यल केवल है तो यहाँ पर यल रहेगा, टी के पावर यहाँ कितना माना जा रहा है, वन माना जा रहा है, अब इसको आप अंश में लेकर आएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, यानी एल टी माइनस वन। तो चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, एल टी माइनस वन। और अगर इसका विमा लिखना चाहते हैं तो विमा कैसे लिख सकते हैं, जो इसका घात है इस घात को देखेंगे तो लिख सकते हैं चाल की विमा यल, यल किसको प्रदर्शित करता है, लंबाई को, तो लंबाई में कितना है, पावर एक है, यानी कि लंबाई में एक है, और समय में कितना है, पावर इसका कितना है, माइनस वन है, तो समय में माइनस वन और लंबाई में कितना, वन है। अब ठीक इसी तरीके से हम तीसरा, अगला जो है तीसरा हो गया, चौथा जो है क्वांटिटी लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम है वेग, यानी कि वेलासिटी। अब आपको वेलासिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे आपको फार्मूला पता है तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसके विमीय सूत्र को लिख सकते हैं। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक। तो अब यहाँ से इसका विमीय सूत्र आप लिख सकते हैं, विमीय सूत्र वेग का क्या होगा, अब देखो ये विस्थापन दिया गया है, तो विस्थापन भी किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका विमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। समय का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसको भी आप हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, L और T ऊपर आएगा, पावर एक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो कितना मान मिला आपको, एल टी माइनस वन, यानी कि वेग का भी विमीय सूत्र क्या होगा, एल टी माइनस वन। चाल का और वेग का, इन दोनों का विमीय सूत्र क्या है, समान है। देखिए अभी आपको इसमें विमीय सूत्र के बारे में जानना है, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, केवल इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ना कि चाल का, वेग का, विस्थापन का पूरा परिभाषा दिया जाएगा और पूरा जो है इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। फिलहाल आपका
केवल ये काम है कि जितने भी फार्मूले आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, कम से कम 25 से 30 फार्मूला है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है और फार्मूला आपको नहीं पता है तो फिजिक्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको ये जो लेक्चर दिया जा रहा है, नोट्स बनाएंगे, नोट्स को याद करेंगे, आप जितना भी टॉपिक इसमें जितना भी फार्मूला बताया जाएगा तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इस लेक्चर में कई फार्मूले हैं और उन सभी फार्मूलों को आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी फार्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है कितना हुआ, 4 हो गया है। अब पांचवा जो भौतिक राशि है, इस पांचवें भौतिक राशि की अगर हम बात करें तो हम ले रहे हैं नेक्स्ट त्वरण, एक्सीलरेशन से कहते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको डिफाइन नहीं करूँगा, अभी इस लेक्चर में, इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर पार्ट 3 के माध्यम से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपको बताए जा रहे हैं इसका केवल फार्मूला जानिए, परिभाषा तो हम बाद में देंगे जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो अब त्वरण, तो त्वरण का कोई आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला अगर पता है लिख दीजिए तो आराम से आप उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो त्वरण का फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो अब हम यहाँ पर विमा लिखना चाह रहे हैं तो विमा क्या होगा इसका, या विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ से वेग परिवर्तन, ठीक, तो वेग का जो विमा है अभी आपने निकाला है कितना मान आया था, अब आपको याद रखना है वेग का विमा कितना अभी आया था, LT-1 आया था, तो LT-1 आप लिख देंगे। समय है तो समय के विमा को किससे लिखते हैं, T से, तो आप T यहाँ पर लिख देंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखो LT-1, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो T-1 यहाँ पर भी है पावर, अगर ये ऊपर आएगा, ठीक, तो ये ऊपर आएगा तो T माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये LT-1, ये T ऊपर आया तो ये T-1 हो गया। अब इसी को एक साथ में आप लिख दीजिए, LT-1 कितना हो जाएगा, T-2। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, त्वरण का जो विमीय सूत्र होगा वो LT-2 होगा। देखिए कितना भी फिजिकल क्वांटिटी दिया गया हो आपको कुल मिला करके 10 से 12 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको आपको मुँह जवानी याद होना पड़ेगा, विमीय सूत्र को रखना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी भौतिक राशियां रहेंगे बिल्कुल बहुत ही आराम से आप सभी भौतिक राशियों का विमीय सूत्र याद कर लेंगे, और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल 10 से 12 ही आपको याद रखना है। जैसे अभी आपको क्या बताया गया, क्षेत्रफल L² हो गया, आयतन L³ हो गया, चाल और वेग दोनों का समान होता है LT-1। देखिए इसमें त्वरण में यूज हो गया LT-1, ठीक है, इस त्वरण का भी आप याद रखोगे LT-2। 10-12 आपको मैं सीरियल से बता रहा हूँ, इन्हीं 10ों को आप याद रखेंगे, चाहे जो उसके बाद भौतिक राशि आएगा सभी का आप लिखते हुए चले जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी। लेकिन 10 से 12 जो ऐसे रहेंगे सीरियल से जो मैं बता रहा हूँ, इसको आपको बिल्कुल हमेशा याद ही होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए। तो अब मैं नेक्स्ट की बात करूंगा। अगर यहां पर मैं बल लिख रहा हूं, फोर्स बल, तो बल का जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला लिख दीजिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑटोमेटिक बन करके तैयार हो जाएगा। तो बल बराबर क्या होता है फार्मूला, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। सबसे पहला काम है आपको फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद है तो विमीय सूत्र भी आप लिख ले जाएंगे। इसको आप फार्मूले के रूप में F=ma याद रख सकते हैं, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फार्मूला अगर आपने लिख दिया तो अब जो है आप इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। तो बताइए इसका विमा या विमीय सूत्र बताइए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किससे हम लिखते हैं विमा को, इसके यम से लिखते हैं। त्वरण
त्वरण का देखिए, अभी हमने क्या कहा 8 से 10 या 10 से 12 आपको याद रखने की ज़रूरत है। त्वरण का अभी आपने याद किया है, अभी आपने सॉल्व किया है, कितना आया है LT-2। तो त्वरण के स्थान पर आप कितना लिख देंगे LT-2, सभी को आप मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए एक साथ में करके, तो कितना हो जाएगा MLT-2। तो इस तरीके से बल का जो विमा है वो कितना आपको मिल रहा है MLT-2। और ये क्या है, विमीय सूत्र है। और विमा को आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। M किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान को। L किसको प्रदर्शित कर रहा है, लंबाई को। T किसको प्रदर्शित कर रहा है, समय को। तो कैसे लिखेंगे, बल की विमा द्रव्यमान में, पावर इसका कितना है, पावर को ही कहेंगे विमा, तो द्रव्यमान में 1 और लंबाई में कितना हो जाएगा 1 और समय में कितना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आपका ये 6 भौतिक राशियाँ हुई। अब जो है हम नेक्स्ट भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वर्क, यानी कि कार्य। तो नेक्स्ट है आपका कार्य, 7वां है। तो कार्य का फार्मूला आपके पास होना चाहिए। क्या कहते हैं, हम किसी भी वस्तु पर बल लगा करके अगर विस्थापित कर रहे हैं बल की दिशा में ही, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, और ये विस्थापन किसके दिशा में होता है, बल की दिशा में ही होता है, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो W इज इक्वल टू F इंटू S से भी लिख सकते हैं और D से भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। विस्थापन को S से डिनोट करते हैं या स्मॉल D या कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। तो अब रही बात, हमें क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र, ठीक। तो अभी जो याद करते आ रहे हैं आप 6 से 7 जो मैंने बताया है, इन सभी को आप बिल्कुल याद रखिएगा, उन्हीं का यूज होगा और 10 ही बार आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी चाहे जितना बड़ा, चाहे जो भौतिक राशि हो, सबका जो है आप विमा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बल का यूज हो रहा है, ठीक है। और अभी आपने 7वां है ये, 6ठवें में अभी आपने, अभी जो है मैंने आपको निकाल करके बताया है कि बल का क्या होता है, बल का विमीय सूत्र MLT-2 ये आया है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन किसको प्रदर्शित कर रहा है, लेंथ को, लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो लंबाई के विमीय सूत्र को हम किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं, बस हो गया काम। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये M हो गया, L के पावर 1, L के पावर 1, तो 1 मिल करके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। T बच रहा है तो T के पावर कितना है, -2 है। तो इस तरीके से कार्य का क्या मिला आपको विमीय सूत्र, ML² T-2। अभी मैं आपको एक साथ में करके बता दे रहा हूँ कि वो कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, उन्हीं का यूज करके आप हर भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो अब ये किसका हो गया विमीय सूत्र, ML² T-2, कार्य का हो गया। अब अगर आपसे कहते कि ऊर्जा का क्या होगा विमीय सूत्र, इसको आप 8वां पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। ऊर्जा तो कार्य करने की क्षमता का यूम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इससे भी स्पष्ट है जो कार्य का विमीय सूत्र होगा वही क्या होगा, ऊर्जा का भी होगा। या फिर ऊर्जा का कोई फार्मूला लिख लीजिए, चाहे जो ऊर्जा हो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, या फिर स्थितिज ऊर्जा हो, या फिर गतिज ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, बंधन ऊर्जा हो, ठीक है, या फिर सिंपली ऊर्जा ही है, कोई भी फार्मूला है उस फार्मूले को आप लिख दीजिए और डायरेक्टली जो है आपको ऊर्जा का विमीय सूत्र पता चल जाएगा। तो ऊर्जा के लिए आपको एक फार्मूला स्टार्टिंग से ही पता है, आइंस्टीन द्रव्यमान समीकरण जो बताया गया है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E = क्या होता है, ∆m×c², ठीक है। ये फार्मूला क्या है, एनर्जी का है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी फार्मूले को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध भी कहा जाता है, जो कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्म एनर्जी और मास का जो ट्रांसफ़र के रूप में फार्मूला यूज होता है, वो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। तो अब हमें देखो ऊर्जा का क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। तो विमीय सूत्र आप कैसे लिख सकते हैं, लिख दीजिए आप विमीय सूत्र,
विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, ई का विमीय सूत्र मतलब ऊर्जा का विमीय सूत्र। बताइए डेल्टा एम, डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान समझिए, तो द्रव्यमान की विमा को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, तो ये क्या हो गया एम हो गया, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए। सी, सी क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो है यहाँ पर सी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल कहते हैं, तो आपको चाल का विमा यहाँ पर लिखना है, और चाल का जो विमा है वो आपको क्या बताया गया है, चाल का विमा एल टी माइनस वन बताया गया है। अब एक बात यहाँ पर और भी ध्यान देंगे, यहाँ पर फार्मूले में C का स्क्वायर है, इसलिए जो फार्मूला आपने लिखा है एल टी माइनस वन ये C के लिए है और ये स्क्वायर है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये यम हो गया और यहाँ से देखो यल का भी स्क्वायर होगा तो यल स्क्वायर हो गया, टी माइनस वन का आप स्क्वायर करोगे तो टी माइनस वन में टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू, और इसको आप एक साथ में करके लिख दीजिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इस तरीके से आपको देखिए जो कार्य का मिला हुआ था वही जो है ऊर्जा का भी मिल रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और अगर आपसे कहता है कि इन्हें दो भौतिक राशियों का नाम बताइए जिनका विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, तो आप उस समय क्या कह सकते हैं, कार्य भी होगा और क्या होगा ऊर्जा भी होगा, दोनों का विमीय सूत्र क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके आठ भौतिक राशियों के बारे में बताया गया जिसका विमीय सूत्र आपने निकाला, इसको आप याद रखेंगे। अभी मैं एक साथ कलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, आठ से दस, और उनको आप हमेशा याद रखेंगे, उसी का यूज करके जो है आप और भी अन्य भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट नौवां अगर देखा जाए जिसको हम नाम दे रहे हैं पावर यानी कि शक्ति, शक्ति का आपको विमीय सूत्र निकालना है, तो शक्ति का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होगा, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं आप, नाइन्थ में एर्थ में भी बताया गया है, शक्ति बराबर क्या होता है, फार्मूला आप जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है डब्लू अपान टी। कहने का मतलब शक्ति ये पी है पावर, डब्लू क्या है वर्क है यानी कि कार्य हो गया, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्य बटे क्या हो जाएगा समय, यही फार्मूला है शक्ति का। ठीक, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब हमें इसका विमीय सूत्र लिखना है, तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा बताइए, कार्य का विमीय सूत्र अभी आपने पढ़ा है, याद रखना है आपको, अगर याद नहीं रखोगे तो साल्व नहीं हो पाएगा, तो कम से कम 10 आपको याद रखना पड़ेगा, उसी का यूज होता रहेगा। कार्य का क्या लिखवाया गया, क्या बताया गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे क्या है समय है, समय का क्या होता है कैपिटल टी होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एम हो गया यल यहाँ पर है, एल स्क्वायर हो गया, टी देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, टी के पावर माइनस टू ऑलरेडी है, यहाँ पर टी के पावर वन है, अब ये टी के पावर वन ऊपर आएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा, तो टी माइनस वन और ये टी माइनस टू, तो माइनस टू माइनस वन मिलकर क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, तो टी माइनस थ्री आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, शक्ति का विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये नौ भौतिक राशियां हैं जिसमें आपको क्या बताया गया, इसका विमीय सूत्र बताया गया। अब हम और चर्चा करते हैं, अगला हम लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है डेंसिटी, कहने का मतलब घनत्व, घनत्व। अब बताइए घनत्व का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लिख पाओगे। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। अब यहाँ से बताइए विमा आप लिख सकते हो, इसका घनत्व का विमा क्या हो जाएगा, घनत्व का विमा ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान के विमा को किससे लिखते हैं कैपिटल एम से, ठीक है, और बटे आयतन है, आयतन का स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया दूसरे नंबर पर एल क्यूब। तो इस तरीके से आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये यम हो गया, एल के ऊपर आएगा तो एल माइनस थ्री हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको क्या मिला एम एल माइनस थ्री। तो इस तरीके से ये आपको 10
फिजिकल क्वांटिटी जो दिए गए हैं, ठीक है। तो इन 10 का आप याद रखेंगे। एक और भी बता दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 11। चलिए 11वां हम लेते हैं कोण, ठीक है, एंगल। कोण का क्या होगा विमीय सूत्र? कल के लेक्चर में आपको ध्यान होगा कि कोण के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कहने का मतलब एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस। तो अब बताइए जो चाप है, इस तरीके से आप लगाते हैं प्रकार में पेंसिल को लगा करके, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये दूरी को ही तो प्रदर्शित कर रहा है, और त्रिज्या जो है वो भी क्या है, दूरी ही है, यानी कि लेंथ ही है, ठीक है। तो अब लंबाई जो रहता है, लंबाई के विमीय सूत्र को हम किससे लिखते हैं? यल से लिखते हैं। तो कोण का अगर विमा आपको लिखना है तो बताइए क्या हो जाएगा? चाप का यानी कि लंबाई, लंबाई को प्रदर्शित करता है इसको, विमा को हम किससे लिखते हैं? एल से। त्रिज्या भी क्या है, लंबाई को ही प्रदर्शित कर रहा है, एल से आप लिखोगे। यल यल क्या हो जाएगा, कैंसल, या फिर ऐसे समझ सकते हैं यल के पावर कितना 1, यहाँ पर भी यल के पावर कितना 1, तो ये जब अंश में आएगा तो यल के पावर -1 हो जाएगा, तो यल के पावर 1, यल के पावर -1 मिल करके कितना हो गया, यल पावर 0 हो गया। या फिर इसमें आप यम को शामिल करना चाहते हैं तो यम को भी शामिल कर लीजिए, एम पावर 0, एल पावर 0, और यहाँ टी का भी आप कितना लिख सकते हैं 0, या केवल केवल यल 0। तो बताइए द्रव्यमान में, लंबाई में, समय में क्या कोई विमा है? पावर देखिए 0, 0, 0 है। तो कोण का क्या आप लिख सकते हैं? कोई भी विमा नहीं है, कोई विमा नहीं होती है। या फिर आप इसको कह सकते हैं कोण जो है वो विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, ठीक है, यानी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कल आपको पूरक राशियों के बारे में बताया गया था, तो उसको मैंने डिफाइन किया था मैंने, उसमें क्या मैंने कहा था कि वे राशियां जिनका मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होती है, ऐसी ही राशियों को हम क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। तो अब आप यहां पर ध्यान देंगे, कोण का मात्रक होता है रेडियन, आप जानते हैं, अंश जानते हैं आप, लेकिन क्या कहा मैंने, विमा नहीं होता है। तो क्या यहाँ पर कोण का कोई विमा मिला? नहीं, एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0, ठीक है, यानी 0, 0, यानी कि विमाहीन है, कोई भी विमा नहीं। जो घातें होती हैं उसी को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ये पूरा फार्म जो है वो क्या है, विमीय सूत्र का फार्म है। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं ये विमाहीन राशि अर्थात कोण का कोई विमा नहीं होता है लेकिन मात्रक होता है, इसलिए कोण क्या है, पूरक राशि है। इसी तरीके से जो आपको घन कोण बताया गया है, यहीं पर आप घन कोण को भी समझ लेंगे। घन कोण, घन कोण के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान क्या चीज़, आर स्क्वायर। तो बताइए डेल्टा ए क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये एरिया को प्रदर्शित कर रहा है, क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर होगा, ठीक है, और आर क्या है, आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या भी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई के विमीय सूत्र को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, और चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो बताइए दोनों साल्व हो करके कितना मिल जाएंगे, एल जीरो मिल जाएंगे, जिसको भी हम एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो लिख सकते हैं। तो घन कोण का भी कोई भी विमा नहीं होता है, अर्थात इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, जबकि विमा नहीं होती है, इसलिए भी क्या है, ये भी एक पूरक राशि है। तो पूरक राशियां दो होती हैं, कोण और घन कोण, ठीक, जिनके मात्रक होते हैं लेकिन इसका विमा नहीं होती है, अर्थात ये विमाहीन राशि होते हैं। तो इस तरीके से 10-12 जो आपको बताए गए हैं इसको आप सीरियल से याद रखिएगा, सभी का विमा। अब जितना विमा मैंने पढ़ा दिया, अगर ये आपको याद है तो इसके बाद जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा, जितना भी भौतिक राशि आएगा, सभी भौतिक राशियों का आप विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, आयतन का एल क्यूब, ठीक है, चाल का, वेग का एल टी माइनस वन, त्वरण का
LT-2, बल का MLT-2, कार्य का या ऊर्जा का ML²T-2, घनत्व का ML-3, कोण का कितना विमाहीन होता है, ये कोण घन कोण का भी क्या होगा विमाहीन होगा, ठीक है। तो इतनी ही भौतिक राशियां हैं, इतना ही आपको याद रखना है हमेशा, बाकी आगे आने वाली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी सभी के डायमेंशनल फार्मूले को आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 12वां, ठीक है। 12वें में हम और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं विकृति, ठीक। विकृति क्या होती है, तो विकृति के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये एक वायर लिया गया है, ठीक है, और इसका लेंथ क्या है कैपिटल L, इसको आप इसके लेंथ के साइड में इसको आप क्या करिए स्ट्रेस कर दीजिए, खींच दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको स्ट्रेस करेंगे तो बताइए लंबाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एक ही तरफ मैं बढ़ा रहा हूँ, अगर इसको रिजिड बेस से बांधा गया है इस तरफ खींच रहे हैं आप, ठीक है, तो लंबाई में बढ़ गया, कितना लंबाई में बढ़ गया, मान लिया गया डेल्टा एल बढ़ गया, ठीक है। तो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो कितने का डेल्टा एल का, ठीक है, और इसका जो इनिशियल लेंथ था प्रारंभिक लंबाई था वो कितना है एल है, तो यही दोनों जो अनुपात होगा इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं विकृति कहते हैं। और ये विकृति किस में दिया गया है, लंबाई में दिया गया है, इसे लंबाई में विकृति या अनुदैर्ध्य विकृति या फिर रेखीय विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है इसको। तो बताइए विकृति का फार्मूला क्या होगा, यहीं से आप अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। लंबाई में वृद्धि, कमी भी हो सकता है, अरे भाई इसको प्रेस करेंगे कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो संपीड़ित होगा, ये संपीड़न में क्या होता है लंबाई बढ़ती है, और इसको स्ट्रेस करेंगे तो फैलेगा यानी कि बढ़ेगा, तो लंबाई में आप इसको क्या लिख सकते हैं परिवर्तन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई में परिवर्तन और बटे ये क्या है L इनिशियल लेंथ है यानी कि प्रारंभिक लंबाई है, तो प्रारंभिक लंबाई। तो विकृति का फार्मूला लेंथ के लिए आप याद रखेंगे क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इस तरीके से बताइए अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला विकृति का लिखा जाए तो विकृति का विमीय सूत्र तो क्या होगा, विमीय सूत्र, लंबाई के विमीय सूत्र को हम किससे लिखेंगे L से, लंबाई ही प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रारंभिक लंबाई यानी ये भी लंबाई ही है तो इसका भी विमा क्या होगा L, L, L सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा L₀ (1) है, इसका पावर -1 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना मिल जाएगा L₀ यानी कि M₀, L₀, T₀, M और T को भी शामिल करना चाहें तो आप देख रहे हैं विकृति का भी कोई भी विमा नहीं है, अर्थात ये भी क्या है विमाहीन है, विकृति भी क्या है विमाहीन है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, कोणीय विस्थापन, ठीक है, कोणीय विस्थापन को हम किससे लिखते हैं थीटा से, ठीक है, या डेल्टा थीटा मान लो, कोणीय विस्थापन यहाँ से डेल्टा एस अपान आर। अब जरा इसको मैं समझा दे रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए कि फार्मूला होता क्या है। अब जैसे कि ये क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, इस वृत्ताकार पथ पर कोई पार्टिकल जो है, यहाँ इसका रेडियस इसका सेंटर मान लिया गया है और ये क्या है इसका रेडियस है आर, ठीक, तो इसके परिधि पर कोई पार्टिकल है जो कि गति कर रहा है, तो इस पॉइंट ए से मान ले रहे हैं वो कहाँ पर पहुँच रहा है, इस बी पॉइंट पर पहुँच रहा है, ठीक है, ये भी क्या रहेगा आर रहेगा। तो बताइए ये जो डिस्टेंस है ये किसको प्रदर्शित करेगा, वृत्त के चाप को प्रदर्शित करेगा, और इसको हम किससे लिख दे रहे हैं डेल्टा एस से लिख दे रहे हैं, और ये क्या है डिस्टेंस है, तो वृत्त की परिधि पर चली गई दूरी और ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है, इसी दोनों का जो अनुपात होता है इसी को हम क्या कहते हैं कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो अब यहाँ से जो है आपको इसका विमीय सूत्र लिखना है, तो बताइए कोणीय विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होगा, तो डेल्टा एस किसको प्रदर्शित कर रहा है चाप को यानी कि दूरी को प्रदर्शित कर रहा है यानी लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा एल होगा, बटे त्रिज्या है, त्रिज्या भी क्या है लेंथ ही है, तो लेंथ
का क्या होगा, L, L, L सॉल्व कर लीजिए, L पावर वन, L पावर वन, वन ऊपर आएगा तो माइनस वन, तो वन माइनस वन मिल करके कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि L जीरो, या फिर इसको भी आप लिख सकते हैं M जीरो L जीरो T जीरो, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए, विमाहीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह सकता है कि नहीं, तीन भौतिक राशियों का नाम बताइए जो विमाहीन हो, या तीन विमाहीन राशियों का नाम बताइए। तो आपके सामने देखिए ये बताया गया कोण, ठीक है, कोण, घन कोण भी हो गया विमाहीन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। विकृति यहाँ से देखिए, विकृति भी क्या है, विमाहीन राशि है, ठीक है। कोणीय विस्थापन अगर देखा जाए तो कोणीय विस्थापन भी क्या है, विमाहीन राशि है। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं, कोण हो गया, विकृति हो गया, और क्या हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया। तो इस तरीके से आपको ये 12 फिजिकल क्वांटिटी जो है आपको बताया गया। अब ठीक इसी तरीके से अगला हम देखते हैं क्या है, घनत्व हो गया होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं कितना हुआ, अब जो भी है सीरियल नंबर देख लीजिए, संवेग, अगर संवेग की बात किया जाए, मोमेंटम, मोमेंटम इसको कहते हैं, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या होगा फार्मूला, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे, P इक्वल टू m इंटू यू, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी, ठीक। फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तभी जो है आप सॉल्व कर पाओगे विमीय सूत्र, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे विमा क्या होगा संवेग का, तो संवेग का विमा विमीय सूत्र, ठीक, विमीय सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान के विमीय सूत्र को हम किससे लिखते हैं, m से, तो ये हो गया m। वेग, वेग का विमीय सूत्र आपको बताया गया है, वेग का विमीय सूत्र क्या है, lt माइनस वन, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, m lt माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, संवेग का विमीय सूत्र मिला। अब आप नेक्स्ट ध्यान देंगे, संवेग के बाद आवेग, संवेग के बाद आवेग। अब देखो आवेग का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आवेग का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे समय, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। तो अब जो है इसका विमा आप लिखिए, बताइए क्या होगा विमीय सूत्र। बल का अभी आपको बताया गया, हमने क्या कहा कि जो 10 से 12 आपको स्टार्टिंग में बताए गए हैं वो आप याद रखिएगा, अगर वो नहीं याद होगा तो आप आगे की जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका विमीय सूत्र आप नहीं लिख पाओगे। तो आवेग बराबर क्या, बल गुणे समय। तो अब यहाँ से बताइए बल का विमा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ये आपको सॉल्व करके बताया गया है। समय, समय का क्या होता है, टी होता है, तो टी से आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना मान आता है, एम हो गया, एल हो गया, यहाँ टी माइनस वन, यहाँ टी के पावर कितना माना जाएगा, वन, तो माइनस टू और प्लस वन मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो टी माइनस कितना हो गया, वन। आप यहाँ से देख रहे हैं जो आवेग का विमीय सूत्र मिला हुआ है ठीक वही संवेग का भी विमीय सूत्र मिला हुआ है, यानी कि दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे देता है कि इन दो बहुत, मतलब जो भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा उसमें जो ऑप्शन के रूप में दिए रहेंगे उसमें दो दो तीन तीन का ग्रुप बना करके दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से छांटिए कि कौन सा जो है एम एल टी माइनस वन के विकल्प को फॉलो करता है। तो आवेग का भी होगा और संवेग का भी होगा, जहां भी ऑप्शन मिलेगा आपको, जो आप उस ऑप्शन पर निशान लगा सकते हैं। तो आवेग हो गया, संवेग हो गया। अब इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है प्रेशर, यानी कि दाब।
तो दाब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप विमीय सूत्र लिख पाएंगे। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, यानी फोर्स अपान एरिया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं विमा, बताइए विमा क्या हो जाएगा, बल, बल का आपको बताया गया, सब फार्मूला आप याद कर डालिएगा, अगर नहीं याद करोगे तो आप कभी भी विमीय सूत्र को नहीं लिख पाओगे। एम एल टी माइनस टू, क्षेत्रफल का क्या बताया गया है, एल स्क्वायर बताया गया है, सॉल्व कर लो आप, यम यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, यल देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस यल के पावर आपको कितना समझना है, वन, और ये कितना हो गया, टू, तो अब ये वन और टू ऊपर आएगा तो माइनस टू, तो वन पहले से है, ये टू ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वन माइनस टू, सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस वन आएगा, यानी कि यल के पावर कितना हो गया, माइनस वन हो गया। अब टी का पावर कितना बच रहा है, माइनस टू बच रहा है, तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि जो दाब का विमीय सूत्र होगा वो कितना आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब ठीक इसी तरीके से एक फार्मूला और भी याद रखेंगे प्रतिबल का, ठीक है, प्रतिबल, ये प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। तो दाब का अगर कहा जाए या प्रतिबल का कहा जाए, ठीक, तो ऐसे कंडीशन में दोनों का जो विमीय सूत्र होगा वो कितना होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा, ठीक। तो इसको आप नोट कॉपी में जो है आप लिख डालेंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसका नाम है आवर्तकाल या आवृत्ति नाम दे रहे हैं, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति का जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अगर आवृत्ति का फार्मूला आपको पता है तो उस फार्मूले को लिख दीजिए और तुरंत ही जैसे लिखेंगे तुरंत आपको विमीय सूत्र पता चल जाएगा। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने वेव में एक फार्मूला पढ़ा होगा, आवृत्ति बराबर एक बटे आवर्तकाल, आवर्तकाल जिसको कि फार्मूला ऐसे याद रखते थे आप, एन इजकल टू वन अपान टी, यही फार्मूला याद रखते थे, इनको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, वन अपान आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, समय को इंडिकेट करता है, लेकिन वो समय होता है जो एक पूरे चक्कर में तय किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि घड़ी आप देख रहे हैं तो घंटे वाली सुई जो है वो एक पूरा चक्कर जब पूरा नाच जाता है, पूरा चक्कर कर लेता है, ठीक है, तो एक पूरा चक्कर करने का जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। तो अगर घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कहा जाए तो बताइए कितना होगा, एक चक्कर में बताइए कितना घंटा वो तय करेगा, 12 घंटा तय करेगा, यानी घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा, 12 घंटा होगा, ठीक। इसी तरीके से मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कहा जाए तो कितना होगा, एक पूरा चक्कर में कितना मिनट घूमेगा, 60 मिनट, यानी कि आप उसको एक घंटा भी कह सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा, 60 सेकंड होगा, या फिर एक मिनट भी कह सकते हैं। अगर कहा जाए पृथ्वी का सूर्य के परिता आवर्तकाल कितना होगा, तो सूर्य के परिता पृथ्वी जो है एक पूरा चक्कर 365 सही 1/4 दिन, यानी 365 दिन और 6 घंटे में कवर करता है, तो 365 सही 1/4 दिन क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य के परिता आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्तकाल समय ही होता है लेकिन वो एक पूरे चक्कर में जो है तय किया जाता है। तो बताइए आवृत्ति का जो विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र वो कितना होगा, एक बटे आवर्तकाल, यानी समय, और समय के डायमेंशन को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से ही लिखते हैं, तो कैपिटल टी हो गया। अब बताइए टी को आप अंश में लाओगे, पावर वन है ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति का जो विमीय सूत्र होगा उसका मान कितना होगा, टी माइनस वन होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का नाम लेते हैं, वो नेक्स्ट जो है देखा जाए तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, ठीक है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, ठीक है। कई फार्मूले हैं, एक फार्मूले को ले लिया गया, फार्मूला आप याद रखेंगे, टी इजकल टू एफ अपान यल, टी इजकल टू एफ अपान यल, ठीक है। यानी कि ये पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को किसे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, पृष्ठ तनाव बराबर ये क्या है, एफ, एफ मतलब बल है, और एल, एल क्या है, लंबाई है, ठीक है।
अपृष्ठना होता क्या है, ये आपका एक लेसन का नाम है, ठीक है। पूरा टॉपिक का पूरे विस्तार से आप पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप फार्मूला जानिए, उसको याद करिए, रट डालिए जितने भी फार्मूला हैं, और 8 से 10 जो विमीय सूत्र बताए गए हैं उन सभी विमीय सूत्र को रट डालिए, याद कर डालिए। जो स्टार्टिंग में 10 बताए गए हैं, बाकी तो सब फार्मूला अगर याद रहेगा उसी पर आप रखते चले जाएंगे, सभी का विमीय सूत्र मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। बल बटे क्या है, लंबाई है, तो बल का आपको विमीय सूत्र बताया गया है। बल का विमीय सूत्र कितना, MLT-2। लंबाई का बताइए क्या होता है, लंबाई का यल होता है, तो बताइए यहाँ से यल और यल दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, कितना बचा है MT-2। तो पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र आया वो कितना आया, MT-2। ये आप याद रखोगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड एक और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक, इसको भी आप याद रखोगे, इसका भी फार्मूला होता है F अपान L, यानी बल बटे लंबाई। तो बल का कितना होगा, MLT-2, L का कितना होगा, लंबाई है तो L होगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, MT-2। कहने का मतलब स्प्रिंग का बल नियतांक और पृष्ठ तनाव, इन दोनों का विमीय सूत्र MT-2, इसको मुंहजबानी आप याद कर लीजिए। कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे पृष्ठ तनाव और स्प्रिंग के बल नियतांक पर लिखा हुआ मिलेगा, तुरंत आप बिना सोचे समझे MT-2 जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे और सॉल्व करेंगे। देखो इसी के उपयोग पर कई बड़े बड़े क्वेश्चन लगाए जाएंगे, इसलिए अगर ये नहीं आप याद करोगे, ठीक है, कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकाला जा रहा है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं लग पाएगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जब जो फार्मूले हैं, इन सब फार्मूलों को आप याद रखते चलेंगे, और जो 8 से 10 स्टार्टिंग में बताए गए हैं उस विमीय सूत्र को भी आप याद रखेंगे। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर हम नाम लेते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा, अब इधर जितने भी मिलेंगे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मिल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसके लिए तो हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं होगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। देखिए भौतिकी के परिचय में स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। स्थूल भौतिकी जो होता है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होता है, और सूक्ष्म भौतिकी जो होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसका नाम प्लांक था, उन्होंने क्वांटम सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उसके लिए एक थ्योरी दिया था कि प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में निकलती है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, और प्रत्येक फोटॉन की जो एनर्जी होती है उसका मान कितना होता है, E=h𝛎 होता है, इसी में एक अक्षर छुपा हुआ है h, इसी h को ही क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला आ गया, अब मैं जो है इसको विमीय सूत्र जो है इसका निकाल सकता हूँ। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा कि विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, अगर फार्मूला पता है तभी विमीय सूत्र लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। अब देखिए हमारे पास जो है ये फार्मूला H=h𝛎 पता चल गया है, इसी एच को ही क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। इस प्लांक कांस्टेंट को आप अलग कर लो और विमा को आप लिख दो, तो एच को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो H=, बताइए एच यहाँ रहने दीजिए, न्यू बटे में हो जाएगा, तो ई बटे क्या हो गया, न्यू। ए को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा कहते हैं। न्यू को क्या कहते हैं, विकिरण की आवृत्ति, या केवल सिंपल रूप में आप क्या लिख दीजिए, आवृत्ति लिख दीजिए। तो बताइए प्लांक नियतांक का जो फार्मूला हुआ वो क्या मिल गया आपको, H=E/ν। अब जो है आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए कहीं अलग से आपको विमीय सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में बताइए जो 10 और 12 का ग्रुप मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग से ऊर्जा बीच में आया था, और मैंने कहा था कि ऊर्जा कार्य दोनों का विमीय सूत्र एक समान होता है, उसको आप याद रखेंगे, कितना होता है, ML²T-2। तो बताइए यहाँ पर H का विमीय सूत्र आपको लिखना है, तो विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, ऊर्जा है ये, ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना होता है, ML²T-2, और बटे
न्यू है ये, न्यू मतलब आवृत्ति। अभी मैंने आपको बताया आवृत्ति का कितना होता है, टी माइनस वन होता है। सॉल्व कर लो आप, यहाँ पर देखो यम है, और कहीं यम है नहीं है, यल केवल यहाँ पर है, यल का स्क्वायर है। अगर टी की बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे टी माइनस टू अंश में है, हर में देखो माइनस वन है। अब ये टी माइनस वन अंश में लाओगे तो टी क्या हो जाएगा, टी के पावर वन हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस वन। तो माइनस टू और प्लस वन सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन आएगा, यानी टी माइनस कितना हो गया, वन हो गया। तो ये प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इधर आगे जितने भी आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई बार रिपीट कर लीजिएगा, याद कर डालिएगा, नोट बना डालिएगा। अब मैं एक अगला कांस्टेंट ले रहा हूँ जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा है, इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल जी से। एलेवेंथ में भी आपको बताएंगे, पूरी चर्चा इसकी की जाएगी। एक फार्मूला आपको पता होगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया है कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर स्मॉल जी कैपिटल जी के संबंध में होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। ये क्या है, न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, कैपिटल एफ इजकल टू कैपिटल जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो इस कैपिटल जी को आप अलग कर लीजिए, और जैसे अलग करेंगे तुरंत जो है आपको विमीय सूत्र पता चल जाएगा। अब देखो इसको कैसे अलग करोगे, ये बटे के रूप में है, एफ और आर का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर बराबर कितना मान मिलेगा, कैपिटल जी एम वन एम टू, ठीक है, ये दोनों गुणे के रूप में है, तो इसको आप इस साइड में ले आइए। तो जब आप इस साइड में लाओगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, एम वन एम टू हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल जी, ठीक, बराबर कितना आ गया, कैपिटल जी आ गया। तो बराबर कैपिटल जी या बराबर आप यहाँ पर लिख दीजिए कैपिटल जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैपिटल जी का मान मिल गया। तो अगर कैपिटल जी का मान मिल गया, अब यहाँ से आप इसका विमा लिख सकते हैं। बताइए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल जी का विमीय सूत्र। तो यहाँ पर देखिए यफ, यफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बल का क्या बताया गया है, एम एल टी माइनस टू बताया गया है आपको, ठीक है। आर, आर क्या है, दो पिंडों के बीच की दूरी है, यानी कि लेंथ है, और लेंथ का क्या होता है, यल होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, यल लिख देंगे। और एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि ये स्क्वायर है, इसलिए आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और पूरे का बटे। यहाँ से देखो यम वन यम टू, यम वन पहले पिंड का द्रव्यमान, तो इसके लिए कैपिटल एम हो गया विमीय सूत्र एम वन के लिए, और एम टू भी द्रव्यमान है, इसका भी क्या होता है विमीय सूत्र कैपिटल एम। यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यम यम एक यहाँ से तो हट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यम एक बचेगा तो पावर वन ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो यम माइनस वन हो गया। अब यल को आप देख लीजिए, यल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो दो और एक मिलकर कितना हो गया, तीन हो गया। यहाँ पर टी माइनस कितना बच रहा है, टू बच रहा है, तो टी माइनस टू आप लिख देंगे। तो ये क्या है, कैपिटल जी का विमीय सूत्र है। अब हम अगला जो है फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसका नाम है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। फार्मूला ऐसे आप याद रखेंगे, आई इक्वल टू यम आर स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला इस लेक्चर के द्वारा जितने भी फार्मूले दिए जा रहे हैं सब फार्मूलों को आप एक जगह लिख करके सब फार्मूला याद कर डालिएगा, ठीक है, क्योंकि
फिजिक्स अगर पढ़ना है तो आगे जितने भी लेसन आएंगे सब में फार्मूला यूज होगा। वो फार्मूला नहीं याद रखेगा, याद नहीं याद रखेंगे अगर आप, तो जितने भी जो डेरिवेशन किए जाएंगे वो डेरिवेशन आपसे नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप फार्मूले को याद रखेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर अगर आप विमा लिखोगे या विमीय सूत्र, तो बताइए कितना होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान के विमीय सूत्र को किसे लिखते हैं, यम से। दूरी का विमीय सूत्र यानी लंबाई है, यल से लिखते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना मान मिल जाएगा आपको, यम यल स्क्वायर। तो ये जड़त्व स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, ठीक है। वेग प्रवणता बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे दूरी, ठीक है। तो बताइए इसका विमा क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। वेग परिवर्तन कहने का मतलब वेग का, वेग का क्या बताया गया आपको, एल टी माइनस वन। दूरी है, दूरी यानी लंबाई, क्या होगा, यल होगा। अब बताओ ये दोनों हट जाएगा यहाँ से, कितना बचा, टी माइनस वन, यानी कि वेग वेग प्रवणता का विमीय सूत्र क्या होगा, टी माइनस वन। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि उन दो भौतिक राशियों का नाम बताइए जिनका विमीय सूत्र टी माइनस वन है, तो आप क्या नाम देंगे, एक आवृत्ति हो गया और एक क्या हो गया, वेग प्रवणता हो गया, ठीक है। तो इन सबको आप याद कर डालेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इसलिए मैं हट जाता हूँ। चलिए देखते हैं अगला जो है आपका भौतिक राशि, जिसका नाम क्या है, बोल्ट्ज़मैन नियतांक, जिसको कि हम किससे लिखते हैं, कैपिटल के से, ठीक। तो बोल्ट्ज़मैन नियतांक ये कैपिटल के कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें हो, तभी जो है आप विमीय सूत्र लिख पाएंगे। तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, गैस के एक अणु की जो ऊर्जा होती है उसका मान इज इक्वल टू 3/2 kT होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 kT। ये क्या है, गैस के एक अणु की ऊर्जा, एक अणु की ऊर्जा, ठीक है। 3/2 क्या है, कांस्टेंट है, संख्या है, आपको मैंने बताया था संख्या का कोई विमा नहीं होता है। तो यहाँ पर जब विमीय सूत्र आप लिखोगे तो इस 3/2 का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये के जो है, इसी के को ही हम क्या कहते हैं, बोल्ट्ज़मैन नियतांक कहते हैं, बोल्ट्ज़मैन नियतांक कहते हैं। और ये जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी ध्यान देंगे, ये टेम्परेचर है, ताप है, ना कि समय है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है बोल्ट्ज़मैन नियतांक का विमीय सूत्र, यानी के का विमीय सूत्र, इसलिए के को आपको अलग करना पड़ेगा। तो अलग कर लीजिए, पहले देखिए 2 का ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2E हो गया, बराबर कितना बचेगा बताओ, 3 kT बचेगा। हमें क्या अलग करना है, के को अलग करना है, इसके साथ गुणे के रूप में 3 है और टी है, तो गुणे के रूप में है, बटे में आ जाएगा 3 और टी, तो इसको हटा देंगे, कितना मान बचेगा, के बचेगा, बराबर के लिखा है, आप यहाँ पर लिख दीजिए के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अलग होकर के आ गया, ठीक। अब इसी को आप यहाँ पर ध्यान देंगे, विमा लिखना है किसका, बोल्ट्ज़मैन नियतांक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेंगे। यहाँ से देखिए विमीय सूत्र, विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3 से कोई मतलब नहीं है, संख्या का कोई विमा नहीं होता है। ई बताओ क्या है, एक अणु की ऊर्जा है, तो ऊर्जा का बताओ क्या होता है विमीय सूत्र, याद होना चाहिए आप सभी को, ML स्क्वायर टी माइनस 2। और 3 से कोई मतलब नहीं है, टी यहाँ पर ध्यान देंगे समय नहीं है, ये क्या है, टेम्परेचर है, ताप है, और ताप के विमीय सूत्र को किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं, पहली बार चेंज हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, थीटा हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए और देखिए कितना मान आता है, ये हो गया यम यल स्क्वायर टी माइनस 2, थीटा को आप ऊपर, थीटा पावर कितना हो गया, -1। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, बोल्ट्ज़मैन नियतांक,
के का विमीय सूत्र कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको भी नोट्स में बना लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब जो है आज के लिए एक लास्ट और ले रहा हूँ एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है गैस नियतांक, इसको भी सॉल्व कर दिया जाए। आज के लिए लास्ट रहेगा गैस नियतांक। गैस नियतांक को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। तो सबसे पहले हमें एक वो फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें कैपिटल आर यानी कि गैस नियतांक हो। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप याद रख लेंगे, आदर्श गैस समीकरण एक है, आदर्श गैस समीकरण। और ये आदर्श गैस समीकरण क्या है, पी वी इक्वल टू आर टी, इसी को हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। जहाँ पर इस पी को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। ये पी क्या है, गैस का दाब है। वी क्या है, आयतन है पात्र का जिसमें गैस को फिल किया गया है। आर क्या है, इस आर को ही हम क्या कहते हैं, गैस नियतांक कहते हैं। और ये टी जो है ये क्या है, गैस का ताप है ना कि समय है, इसमें भी आप ध्यान देंगे। तो हमें गैस नियतांक का निकालना है विमीय सूत्र। तो बताइए आर को मैं अलग करूँगा तो आर के साथ टी गुड़े के रूप में है, तो टी गुड़े के रूप में इस साइड में ले आइए तो पी वी बटे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा बराबर कितना, आर। या फिर आपको मिलेगा आर बराबर पी वी बटे टी। तो अब आप यहाँ से आर का विमीय सूत्र लिख सकते हैं, यानी कि गैस नियतांक कैपिटल आर का विमीय सूत्र। बताइए क्या क्या होगा, दाब का विमीय सूत्र होगा और आयतन का विमीय सूत्र होगा और ताप का विमीय सूत्र होगा। तो दाब का विमीय सूत्र, दाब बराबर क्या होता है बताइए, बल बटे क्षेत्रफल, बल का क्या एम एल टी माइनस टू और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वन। यानी दाब का आपको क्या बताया गया है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो अब आप यहाँ पर दाब का लिख दीजिए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो गया। और वी क्या है, आयतन है, आयतन का क्या बताया गया है, एल क्यूब, तो एल क्यूब हो गया बटे यहाँ पर ध्यान देंगे टी, टी क्या है, ताप है, ठीक है। ताप का विमीय सूत्र किसे लिखते हैं, थीटा से, तो थीटा आप लिख दो, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यम यल यहाँ पर है, यहाँ पर है, थ्री और माइनस वन मिलकर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। टी पावर कितना है, माइनस टू है, थीटा पावर वन है, ऊपर जाएगा तो थीटा माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से गैस नियतांक का विमीय सूत्र आपको क्या मिला, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन। अभी आप मैंने जो निकाला था बोल्ट्ज़मैन नियतांक का, तो बोल्ट्ज़मैन नियतांक का भी इतना ही आया था। तो बोल्ट्ज़मैन नियतांक और गैस नियतांक दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, सेम होता है, और कितना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस